और आपको बताएं, पैरागॉन हाउसिंग केस, गिरफ्तार कैसर अमीन बट ने चेयरमैन नैब को प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में तमाम रकम वापस लौटाने की यकीन दहानी करवाई गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, बताइएगा। कैसर अमीन भट जो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन है, उनको नैब ने कुछ अर्सा कबल गिरफ्तार किया था, जिनके ऊपर इल्जाम ये था कि जो पैरागॉन सोसाइटी उसमें मुबीना तौर पर बेजाबतियाँ सामने आई थी और तकरीबन 98 के करीब ऐसे मुतासिर थे जिन्होंने क्लेम दिया था नैब को कि पैरागॉन ने उन्हें पैसे ले लिए, फ्रॉड नहीं दिए। इस वाले से जो वैद वकील हैं कैसर अमीन भट के, उनको उन्होंने जो है चेयरमैन नैब को दरख्वास्त दी कि वो प्री बार्गेन करने के लिए तैयार हैं और जितने भी मुतासिर हैं उनको रकम की अदायगी या प्लॉट के जो है वो देने के लिए तैयार है। इस हवाले से भी दरख्वास्त लिखी गई है वकील की जानिब से। अब देखना ये है कि चेयरमैन नैब इस पर क्या फैसला करते हैं, जबकि नैब लाहौर ने जो तहकीकात की है उसमें भी जो चीज़ें सामने आई हैं वो भी चेयरमैन नैब के सामने रखेंगे, क्योंकि नैब इस वाले से भी तहकीकात कर रहे हैं कि पैरागॉन की जो सोसाइटी उसके पसे पर्दा जो मालिक हैं वो ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक हैं। इस हवाले से भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था कैसर अमीन भट को। अब जो तहकीकात किस आगे बढ़ाए, हमारे साथ ही कहते थे कि कैसर अमीन भट ने कुछ अहम इंकशाफात नहीं है ख्वाजा बरादरान के हवाले से, और अब उन्होंने चेयरमैन नैब को भी प्री बार्गेन की दरख्वास्त दे दी है कि वो तमाम मुतासिरों को जो है उनकी अदायगी करने के लिए तैयार है। तो आखिरी फैसला चेयरमैन नैब ने करना है कि वो क्या फैसला करते हैं, और जो रिपोर्ट नैब लाहौर भी जाएगा उसकी रोशनी में जो है फैसला किया जाएगा। शुक्रिया राहिल सैयद।